आजमगढ़ के विकासखंड मेहनगर के ग्राम सभा टुटिया में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन 16 जनवरी 2024 को किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह रहे। ध्रुव कुमार सिंह ने जनता को संबोधित करते हुए भारत सरकार की सभी योजनाओं के बारे में लोगों को बताए और मुख्य अतिथि के द्वारा प्रमाण पत्र भी वितरण किया गया। कार्यक्रम के संचालन अनिल कुमार ने किया और ग्राम प्रधान राम मूरत यादव ने कार्यक्रम का समापन करते हुए आए हुए सभी लोगों का आभार व्यक्त किए। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष मेहनगर श्री कृष्ण बिहारी सिंह, मंडल उपाध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह, जिला मंत्री किसान मोर्चा विजय शंकर तिवारी, प्रधान संघ अध्यक्ष एहत राम खान, ग्राम पंचायत अधिकारी वैष्णो शंभू सिंह, एडीओ पंचायत हरिनंद यादव, जीत बहादुर सिंह, अनुराग यादव, डब्लू यादव, अंशु सिंह, दीपक सिंह सहित सभी विभाग के अधिकारीगण, कर्मचारीगण और सभी सम्मानित ग्रामवासी मौजूद रहे। देखिए पूरी खबर पवन पूर्वीय न्यूज पर। सतीश चौहान के साथ आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत हमारे प्रधान रामदत्त यादव जी, यहाँ के हमारे अनिल भाई जो हर जगह जाते हैं, इसके पहले पूर्व में एडीओ पंचायत है, इस समय सेक्रेटरी है, ऐसे हमारे आदरणीय अनिल यादव जी, आदरणीय हमारे हरनंद जी, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। मोदी जी, हमारे योगी जी जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी वो भी एक गरीब परिवार से निकले और जानते हैं गरीब क्या है, गरीबी क्या है, गरीबों की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत होगी, गरीब हमारे आगे कैसे बढ़ेंगे, उनको पक्का मकान कैसे मिलेगा, उनको इज्जत घर कैसे मिलेगा, उनको आयुष्मान कार्ड दवाई इलाज कराने के लिए कैसे मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में साल हुई है और 22 तारीख को राम मंदिर में पाद प्रतिष्ठा होने वाली। मोदी जी ने आग्रह किया, क्योंकि भगवान सबके हैं, राम सबके हैं, आपके हैं, हमारे हैं, हर जात व्याधि के, हर पार्टी के, लेकिन मैं कुछ लोग उसमें भेदभाव कर रहे हैं कि राम का जो है राजनीतिकरण हो रहा है। राम अपने आप में एक बहुत ही अनुशासित पुरुष थे, पुरुषोत्तम मर्यादा भगवान राम कहा जाता है उनको। क्यों कहा जाता है? क्योंकि रामचंद्र जी पहले तुलसीदास जी चौपाई लिखे थे, प्रातः ही काल उठे रघुनाथा और मात पिता गुरु नावे ही माता। राम ही ऐसे सब पुत्र थे कि पता सुबह उठते थे और उनसे सीख लेना चाहिए सभी नौजवानों को।